गुरु, इस दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है जीनियस होना। अगर आप जीनियस हो तो मेरे भाई संभल के रहना, असुर कभी भी आ सकता है आपको मारने के लिए। अगर आपको अब भी डर नहीं लगा तो आप जीनियस नहीं हो। सॉरी भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आप आ गए हो तो इस वीडियो को देख ही लो। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो बात बता दूं। पहली बात, ये असुर सीजन 2 का रिव्यू नहीं होने वाला, सीजन 1 का होगा। हाँ भाई, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ सीजन 1 के रिव्यू देने के लिए, मगर मेरे भाई अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते, भी कहते हो तो इतनी पीते तो लात तो ढल नहीं जा पा। दूसरी बात, मैं सीजन 2 देखने जा रहा हूँ इस वीडियो के बाद, तो फिर मेरे साथ ही चलना। गुरु, मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे पहली वेब सीरीज देखी थी वो थी असुर। जब मैं ये वेब सीरीज देखने लगा तो मुझे लगा यार इसकी कहानी कोई नॉर्मल सी होगी, मगर इसकी कहानी इतनी औसम है मेरे भाई कि मैं आज तक इसकी कहानी बोल नहीं पाया हूं। दादे तहानी आधे दल को लुकदा अतुल सीजन 1 में अतुल का रियल नेम क्या था बता? हैं? अत्या थाप थून दे बेटे। गुरु, असुर सीजन 1 देखने के बाद जो मेरे को मजा आया और बस इसी वजह से मैंने आगे वेब सीरीज देखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आपको अच्छा माल मिल जाए देखने के लिए तो गुरु आदत लग जाती है। गुरु, असुर की कहानी है तो बहुत अच्छी, मगर यार कुछ दिक्कत भी है। इसके सीजन 1 का बजट इतना कम था मेरे भाई कि पहले सीजन में तो इन्होंने बहुत सारे शूट फोन से करे हैं, और यकीन मानो गुरु, तुम्हें देखने के बाद पता लगता है कि ये शूट तो फोन से हुआ है। इसमें कोई अच्छी लोकेशन के लिए भी कोई खर्चा नहीं करा है, बस कुछ रूम दिखाया है और अच्छी कहानी। गुरु, इनके पास कहानी तो बहुत अच्छी थी मगर इनको बजट नहीं मिला था पहले सीजन में। गुरु, आज मैं आपको एक सच बात बताता हूँ, बॉलीवुड की घटिया से घटिया स्टोरी को भी बजट मिल जाता है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े सुपरस्टार होते हैं मगर स्टोरी घटिया होती है एकदम। और जहाँ स्टोरी अच्छी होती है और स्टार कास्ट भी अच्छी है, वहाँ बजट के नाम पे सब अपने हाथ खड़े कर लेते हैं, क्यों करते हैं ऐसा यार, मगर उनको कोई पैसा देने के लिए राजी नहीं होता मेरे भाई, क्योंकि उनके पास वो बड़े बड़े फेस नहीं है। गुरु, चेहरा आपको सिर्फ 30% बचा सकता है, मगर 70% ऑडियंस को कहानी चाहिए, यही तो देखने आते हैं। बाकी सीजन 2 का बजट 40 करोड़ है और एडवर्टाइज को मिला के 50 करोड़ टोटल। दूसरे सीजन का बजट अच्छा है भाई, सच में बहुत अच्छा है, अगर आप पहले सीजन को लेके सोचोगे तो। असुर की कहानी क्या है? तुझे खुद कुछ नहीं पता यार, असुर की कहानी क्या है हम ते पूछ ला है तू भाई, ये काम मत कर, कुछ और काम कर ले, कंधे वंदे खेल ले, तेल बत्ती नहीं खुदी है पता कुछ ये नहीं हम ते बोले ज्यादा थाली। गुरु, ये कहानी तो आप लोगों ने सुनी होगी कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती, और बस यही है दो जीनियस लोगों की कहानी। एक चाहता है इस दुनिया में और भी जीनियस लोग आए, मगर दूसरा यानी असुर, जिसका एक ही लक्ष्य है, जो उसको मिला है वो किसी और को मिलने नहीं देगा, यानी ज्ञान का भंडार। और सच में भाई ये दिखाया भी है कि असुर कितना जीनियस है इसमें, ऐसा समझ लो असुर लाइक रावण, ज्ञान इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं है, मगर कोई और ज्ञान नहीं रहना चाहिए। गुरु, ये सब मिलके असुर को ढूंढ रहे हैं, मगर इन सबको ये नहीं पता कि असुर को पकड़ने बच्चों का खेल नहीं है भाई, 10 सर वाला रावण है वो, तो उससे मजाक मत करना। अबे दल तो होते हैं, अबे दस थलो या दस हजार थलो, मुत्ते बंदा नहीं मेरे, बड़ा खतरनाक इंसान हूँ, तत्तरी तत्तर मारूंगा थल के अंदर, फालतू नहीं मिलते बिल्कुल भी। कर दिया तो इसके साथ साथ मुझे ही मारेगा और तुम्हें भी, तो संभल के थोड़ा। इन सबको ये नहीं पता कि ये सारा गेम असुर का ही, 10 सिर वाला रावण है वो, उसको मारने के लिए तुमको भगवान श्री राम को बुलाना पड़ेगा। बाकी सीजन 2 देखने जा रहा हूँ मैं, उसका रिव्यू आएगा इस वीडियो के बाद। और जिसने भी अभी तक दहाड़ का रिव्यू नहीं देखा तो इस वीडियो पे क्लिक कर देना, और जिसने नई वाली आश्रम नहीं देखी वो इस वीडियो पे क्लिक कर देना। बाकी और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो देखते क्या होता है।